प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाल मन की बात की है। प्रधानमंत्री ने पठानकोट के एक नौजवान का भी इस जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि राजू ने लॉकडाउन के दौरान लोड़वंदा की मदद की है, पहुंच होने के बावजूद उसने अपने पैसों के नाल मास्क वंडे ने। प्रधानमंत्री ने इस अलावा पानी बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल है तो जीवन है। इस अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों को वख-वख मुद्दों के उत्ते संबोधन भी किया। किसानों की गल की है, उन्होंने कहा कि जिस तरह टिड्डी दल का हमला होया उसनू रोकने के लिए सरकार के वल्लों कोशिशां कीतियां गई हैं और निर्देश दिए गए ने, प्रशासन को तैयारी पूरी की गई है। इस तों अलावा पानी जिस तरह हेठां जा रहा उसनू लैके भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी को बचाने की लोड़ है, इस करके सारयां नू इस दे विच हिस्सा पाउणा चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हां लोकां दा भी जिक्र किया जिन्हां दे वल्लों लोड़वंदां दी मदद की गई है। इस औखी घड़ी दे विच उन्हां प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हां नू मुश्किलों का सामना करना पिया। पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला। यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से 3000 से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे। भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया। देश के सभी इलाकों से विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने आ रही है। लोगों को राशन भी दे रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री का मोदी प्रधानमंत्री का मन की बात में मेरी जिक्र किया है। मैं ओडा भी आज धन्यवाद करता हाँ। मैं अपने राजदार होंदे भी लोगों की समाज सेवा कर रहा हाँ, जो कि मेरे वर्गे कई जीव ने जो बेचारे भुखे सोते ने, मैं उन्होंने देख के अपने अपने से सेवा दे रही है। दिव्यांग व्यक्ति एक सेवा कर रहे तो मैं कहना दिव्यांग व्यक्ति जो हैंडी कैप है वो चल नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी सेवा कर रहा। और मैं मोटी धन्यवाद करता प्रधानमंत्री का जिन्हें अज मैं इस लैक समझिया और लोगों की सेवा मैं शामिल किया। साढ़े सहयोगी पठानकोट तो साढ़े नाल जुड़े ने गुरप्रीत। गुरप्रीत, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के वलों इस नौजवान का जिक्र किया गया, राजू का जिक्र किया गया, जिस दे वलों अपनी मेहनत की कमाई के पिछों लोगों की मदद की गई, लोगों को मास्क वंडे गए है, की कहना चाहोगे? उन्होंने गलबात भी हुई है, किस तरह का प्रतिक्रम? जी बिल्कुल, दस देना चाहना कि जो राजू नाम का जो अपाहिज जो लड़का हैगा जो करता, पिछले समय भी एक पुली से पठानकोट के जिड़ी कि उन्हें अपनी जी नेक कमाई के बनाई थी, जिन्हों वाल कि प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही, चर्चा का एक विषय बनया सी। और ये जिहड़ा राजू हैगा ये अपनी जिहड़ी कमाई दे विचों कई सोशल काम करदा, जिस तरह करोना वर्गी बीमारी जिहड़ी हैगी आ उहदे चलदे सरकारां जां प्रशासन जिहड़ा गरीबां दी जिस तरह मदद कर रही आ, सोशल तौर ते जिहड़े एनजीओ हैगी आ उह मदद कर रही आ, लेकिन ये कल्ला ही एक ऐसा जिहड़ा लड़का है जिहड़ा कि करोना दे चलदे जिसने मास्क भी वंडे हैगे ने और लोगों नूं राशन भी दित्ता, होर कई तरह दीआं जिहड़ीआं लोक भलाई दीआं जिहड़ीआं कई स्कीमां जिहड़ीआं असीं कह सकने आ जिहड़ीआं इह लोकां तक पहुँचा भी रहा हैगा, लड़कियां दे जिहड़े विआह भी कर रहा हैगा। बिल्कुल एक चर्चा दा विशा, जिस तरह अज एक खुशी दी भी गल आ कि पठानकोट दा लड़का जिहड़ा इह अज प्रधानमंत्री जिहड़े साडे हैगे ने नरेंद्र मोदी जी उहनां वल्लों भी उसदी जिहड़ी चर्चा की गई, बिल्कुल एक बड़ी खुशी दी भी गल हैगी आ। उह दस देना चाहुंदे कि राजू ने इह भी गल कीती आ कि जब तक मेरे साह चलते पे ने मैं लोगों की इस तरह ही जेडे मदद करता रहेंगे ताकि कोई भी जो गरीब है पठानकोट के जो भुखा ना सो सके। जी जी बिल्कुल, बहुत शलाघायोग गल है कि
इन्हां दे वल्लों जो उपराला किया गया लोड़वंदां दी मदद की गई है। पर कितने ना कि जिस तरह तुसीं पहलां गल की है कि इन्हां दे वल्लों एक पुली बनवाई गई सी जिस दे वल सरकारां ने ध्यान नहीं दिता, प्रशासन दे वल्लों ध्यान नहीं दिता गया सी, तां की लगता हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हां दा जिक्र जरूर किया मन की बात दे विच, पर जिस तरह प्रवासी मजदूरां नूं लैके आपां कहीए कि जो हालात बने सी कई थावां ते प्रवासी मजदूर पैदल तुरदे हुए नज़र आए, कई थावां दे उत्ते रेलवे स्टेशन ते बच्चे जिहड़े अपनियां माँ दे कोल विलकदा होया नज़र आया, अपनी माँ दी मृतक देह दे कोले, और इस तों इलावा होर भी कई तस्वीरां सी जो परेशान करन वालियां सी। तां लगदा नहीं सी कि सरकारां नूं होर जिहड़ी कोशिश करनी चाहीदी सी, होर तनदेही दे नाल इन्हां लोकां दी मदद करनी चाहीदी सी। जिस तरह ये नौजवान अपनी कमाई दे विच्चों कर रहा जी बिल्कुल चीजें तो दस देना चाहना कि जिथे असं कह सकते कि प्रशासन के काम खत्म हो जाते हैं, सरकार के काम खत्म होते हैं, उत्ते इस तरह के जिहड़े नौजवान ने वो अगे आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जिस तरह एक स्टेशन पर भी एक बच्चा जिहड़ा जिसकी दसिया जा रहा है कि माँ की जिहड़ी मौत हो चुकी है, नज़दीक बैठे थे, लेकिन वो चीज़ा वीडियो के वायरल जरूर हुई, लेकिन उत्थे के जिहड़े रेलवे विभाग के भी जिस तरह लोग थे उन्हां वालों भी कोई ध्यान जिस तरह नहीं दिता जा रहा, देखा जा रहा है, प्रशासन वालों कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा, लेकिन उस समय जिहड़े इहो जिहे लोग ने जिहड़े बिल्कुल जिहड़ा अपनी जिहड़ी आ उह खाण पीण की परवाह ना करते हुए लोगों की जिहड़ी मदद करते हैं। और राजू वालों भी बिल्कुल इस तरह कोरोना के चलते 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, बिल्कुल लोगों की मदद कर रहा, गरीबों की मदद कर रहा जिहड़ा, और जिस तरह मास्क भी बनता पिया है, सैनीटाइजर भी इस वालों जिहड़े आ उह वंडे गए हैं, ताकि जिहड़ी आ कोरोना वर्गी बीमारी तो जिथे बचा जा सके उत्थे सोशल तौर पर लोगों के विच भी एक जागृति जिहड़ी पैदा की जा सके, ताकि हर जिहड़ा व्यक्ति आ जिहड़ा हर गरीब नूं जिहड़ी मदद करन वास्ते जिहड़ा उह अग्गे आवे। जिसके चलते इस दिन जिहड़ा अज जिहड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिदा इहदा नाम लिता, बिल्कुल पठानकोट दे विच एक चर्चा एक खुशी की गल भी हैगी आ। साढ़े नाल एक जिहड़े इत्थे नौजवान हैगे ने, असीं उहनां नाल भी गल करने, जिस तरह राजू नूं इन्होंने एप्रीशिएट किया है, असीं चाहते असीं उहनां नाल भी गल करने हैगे। हाँ जी सर, की कहना है जिस तरह देखा कि मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राजू की प्रेज भी की है काफ़ी, की कहना है उसके बारे? देखो राजू जिहड़े ने वाकई उन्होंने पठानकोट आया और ये साबित कर दिया नहीं बल्कि राजकुमार है दिल तो, और मैं नरेंद्र मोदी साहब का भी धन्यवाद करना चाहवागा, वाकई उन्होंने साबित कर दिता है कि वह मोदी साहब गरीब समाज तो उठ के प्रधानमंत्री बनिया, और किस तरीके दे नाल जो कोई भी व्यक्ति जिहड़ा गरीब इस देश के लोगों की भलाई का काम करता है और अपनी अपने आप को निशावर करने को तैयार, उन्होंने लोगों की प्रशंसा करते हैं। मैं धन्यवाद उन्होंने भी करांगा जिहड़े सोशल अपडेट पंजाब के जिहड़ा एक यूट्यूब चैनल से उहदे पत्रकार लव जी और साहिल जी, जिन्होंने इस तरह के राजकुमार राजू वर्गे जिन्हों लोग भिखारी कहते पर राजकुमार आनू पहचान और वो लोगों तक वो आवाज़ पहुँचाई। मैं दस देना चाहना है कि वाकई इस देश के जिहड़े गरीब लोग है जिन्होंने असं गरीब चाहते हैं, पर संकट के वेले जिस तरह राजकुमार राजू जिहड़ा सामने आया, वो गरीब लोग संकट के वेले किसी भी समय भारत में अपनी जान निशावर जी करने तैयार हो जाते हैं। यही भारत की गरिमा आ, यही भारत की जी शक्ति आ, ये उस वेले वेखन मिलती है जो भारत के उत्ते मुसीबत आ। ये साबित कर गलबात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।